आप 10 दफा भी मुरली पढ़ो, रोज आ रहे हो, कुछ तो एक बूंद अंदर जाना चाहिए। और ये मेन विधि है। अगर आप कहो भाई जी अभी तक क्रोध जाता ही नहीं, अपने आप नहीं जाएगा, तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे नारे भाई। कितनी पूजा करो, कितना कुछ भी करो, लेकिन तपस्या चाहिए, योग अग्नि चाहिए। और एक एक घंटा नहीं, 5-10 मिनट ही बैठो। अब ये 5 प्रश्न होगा, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव बाबा कौन कौन है? आप कहेंगे ना मेरे पति के पास इतना कार है, इतनी जमीन है, ऐसे बताएंगे ना। हाँ, आपके शिव बाबा के पास क्या है आप जानते हो? कहते मैं बाबा को जानती हूँ, तो क्या है उसके पास? बहुत में क्या है? हाँ, परंदा में है आपका पिता। लेकिन क्या है उसके पास? मार्केट में क्यों जा रहे हो? सब्जी लाने जा रहे हो? कपड़े के मार्केट में जाओ और सब्जी दे दो, मिलेगा नहीं। शिव बाबा के पास क्या है? क्यों याद कर रहे हो? क्यों याद करते हो? तो भाई जी बता रहे हैं। हाँ, पानी का सागर है, आनंद का सागर है, दूध का सागर, और शांति के सागर, और किसका सागर? और बता कौन शिव बाबा की, शिव बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं? कौन सी शक्ति है? ना, गुणों का भंडार नहीं कहते हैं उसको। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न को शिव बाबा को गुण है, सर्वशक्ति, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान का है ना। तो कौन सी शक्ति है? मुरली में आता है रोज। हाँ बताओ, माता जी बता रही, तो कौन सी शक्ति भाई जी बताओ? शक्ति गुण नहीं ना। शिव बाबा के पास अष्ट शक्तियां है। दुर्गा को शिव ने, दुर्गा को अष्ट शक्ति दिखाई, शिव ने शक्ति को अष्ट शक्ति, अष्ट रतन सत्युग में, तो वो अष्ट शक्ति शिव बाबा के, तो मुख्य 8 शक्ति